अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सदर मजलिस नकीब मिलत बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब सुबह अव्वल वक्त नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी का दौरा करे, उनके साथ में जीएचएमसी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर और जीएसएमसी का पूरा महकमा साथ में था। और ये दौरे का मेन मकसद ये है कि जो बरसात के अंदर नालों में प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं हुई और जहाँ पे भी नाला वाइडनिंग थी वहाँ प्रॉपर वाइडनिंग नहीं होने की तरफ से ये बलकापुर नाला अहमदनगर डिवीज़न से होते हुए अभी हम अफजल सागर नाला जो इससे पहले वाइडनिंग करें मगर वहाँ पे जो रिटर्निंग वाल उठने की थी बारिश की तरफ से नहीं उठा है उसका भी इंस्पेक्शन करे हैं। तो कमिश्नर जीएचएमसी ने एश्योरेंस दिया है कि डिसिल्टिंग अब की मरतबा प्रॉपर होंगे और आने वाले मानसून के अंदर यहाँ से पानी बहना नहीं उस तरीके से काम होने के लिए पूरे का पूरा एश्योरेंस दिए हैं। मेरे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन और मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, कारपेटर और साबिका मेयर इकबाल साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, आयशा रुबीना मैडम और दीगर तमाम लोग मौजूद थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज का जो दौरा हुआ ये मुकम्मल कामयाब दौरा रहा, इसमें इमीडिएट जल्द से जल्द काम भी शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। అప్పుడు అయిపోయింది సార్ ఏసీపీ టౌన్ ప్లానింగ్